हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपको बाबा बालक रूप जी के मंदिर में लेके जा रहे हैं। तो देखिए, ये है रास्ता बाबा जी को जाने का। बाबा बालक रूप जी को सुजानपुर से यहाँ स्थापित किया गया है। बाबा जी यहाँ बालक रूप में विराजमान हो रहे हैं। तो चलिए फिर आपको कराते हैं दर्शन बाबा जी के। यहाँ से होते हुए जाएंगे, देखिए गाइस, ये बाबा बालक रूप जी के लिए सड़क बन रही है ताकि यहाँ मंदिर तक बस भी पहुँच सके, क्योंकि यात्रु दूर दूर से आते हैं तो उनको आने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि आने वाले यात्रुओं में वृद्ध महिलाएं और वृद्ध पुरुष, छोटे बच्चे भी होते हैं, तो उनको मुश्किल ना आए, तो इसलिए सड़क का काम भी चल रहा है साथ साथ में। देखिए गाइस, कितना सुंदर दृश्य है यहाँ पे, पेड़ पौधे बहुत ही सुंदर हैं। तो ये पहुंच गए हम बाबा जी के मेन गेट पे। यहाँ बाबा जी की बड़ी सुंदर मूर्ति स्थापित की गई है, देखिए हम आपको पूरे दर्शन कराएंगे इसके। देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ का। ये हैं हमारे कैलू बाबा जी, इनको आँखों का देवता भी कहा जाता है। और ये आँखों की रोशनी का की रक्षा करते हैं, हमें रोशनी प्रदान करते हैं। ये पंचपीरी है बाबा जी की। और ये हैं हमारे पवन सुक्त जी बैठे हुए, देखिए पहाड़ को उठाए हुए, देखिए बहुत ही सुंदर हैं बाबा जी। इनका छोटा सा मंदिर देखिए, पेड़ों की छाया में बैठे हुए हैं बाबा जी। तो ये देखिए, फूलों से सजा हुआ हमारे बाबा जी का प्रांगण। ये देखिए बिल्व वृक्ष, और ये है गुड़हल का देसी पौधा, देखिए कितने सुंदर फूल लगे हुए हैं। और ये है आंवला का पेड़। और फ्रेंड्स, ये है बिलपत्री, बड़ी ही खास, इसमें 10-10, 12-12 पत्ते वाली है ये। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए बहुत ही अचंभित करने वाली ये बिलपत्री है, देखो कितनी ही सुंदर है। देखो इसका पेड़। और ये है रुद्राक्ष का पेड़, देखिए कितना सुंदर है। और ये है आंवला का पेड़, इसके हर साल आंवला नवमी पे हम यहाँ पूजा करते हैं, बहुत ही सुंदर है। और देखिए ये, इन लोगों ने सेवा कराई हुई है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ से चलते चलते फूलों की, कितनी अच्छी बगीचा ही लगा दिया है पूरा बाबा जी के भक्तों ने। और ये वॉशरूम है, देखिए बाबा जी का मंदिर शुरू हो गया। ये है पानी की टंकी और ये है मंदिर।
देखो भोले बाबा जी खड़े हैं यहाँ। तो चलिए हम बाबा जी के आपको दर्शन करवाते हैं। ये बहुत ही सुहावना दृश्य है और हम पहुंच चुके हैं बाबा जी के मंदिर में। ये है हमारे बाबा बालक रूपी जी का मंदिर। ये हैं हमारे बाबा जी। बाहर से शीशा लगा के बंद कर दिया हुआ है, नहीं तो भक्तजन इनको पूरा प्रसाद से ही नहला देते हैं। देखिए कितना सुंदर भोले बाबा जी का ही छोटा रूप है ये। इनको बाबा बालक रूपी जी तभी कहते हैं। तो प्रिय दर्शकों ये देखो नीचे बहुत गहरी खाई है और नीचे खड्ड है और पानी की कलकल मुझे सुनाई दे रही है। तो ये देखिए ये बाबा जी का नंदी बैल है। और तो चलिए हम चलते हैं बाबा जी की गुफा में। गुफा में 20-25 पौड़ियाँ उतर के बाबा जी की गुफा है। यहाँ भोले बाबा जी बैठे हैं पिंडी रूप में। तो ये देखिए ये हैं बाबा जी की पिंडियाँ। ये नाग रूप है, ये भोले जी का रूप है और ये दूसरी पिंडियाँ हैं। ये पिंडी जब इस मंदिर का काम चला था 2-3 साल पहले तब प्रकट हुई थी, यहाँ खुदाई नहीं। तो भक्तों बहुत ही सुंदर है यहाँ का दृश्य। देखिए ऊपर से पेड़ों की छाया और नीचे खड्ड। देखिए पानी कलकल करता हुआ बह रहा है। और दर्शकों मैं आपको एक बहुत ही निराली चीज़ दिखाने जा रही हूँ। ये देखिए मधुमक्खियों का बहुत बड़ा छत्ता है पर थोड़ा सा खजूर के पत्तों के पीछे है। मैं दूसरी तरफ से आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए इस खजूर के डाली के पीछे बहुत बड़ा ये मधुमक्खियों का छत्ता है। को देखने में ये 20-25 किलो का लग रहा है, तो ऐसे तो पता नहीं कितना बड़ा होगा लटका हुआ है ये। चलो फिर से बाबा जी के दर्शन करते हैं। जय बाबा बालक रूपी, जय भोले भंडारी।